हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में परंपरा के अनुसार स्थानीय ग्रामीण देवता माघ महीने में हर साल स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से वापसी क्षेत्र के देवताओं की अलग अलग तिथि पर होती है। कोई देवता 16 दिन के बाद तो कोई एक महीने में और कोई डेढ़ महीने में स्वर्ग से लौटते हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के आराध्य देव शमशरी महादेव 16 दिनों के बाद स्वर्ग प्रवास से लौटे हैं। क्षेत्र के लोगों को भी इस दिन की बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि देवता स्वर्ग से लौटते ही साल भर की भविष्यवाणी करते हैं। साल कैसा रहने वाला है, अकाल या विपदाएं तो नहीं आने वाली है, बारिश होगी या नहीं, महामारी तो नहीं फैलने वाली, सारी बातें देवता गुरु के माध्यम से इस दौरान बताते हैं। देवताओं ने अपने अपने गुरुओं के माध्यम से भविष्यवाणी में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहने की भविष्यवाणी की। इस दौरान शमशरी देवता ने अपने गुरु के माध्यम से लोगों को चावल के दाने देकर हर व्यक्ति का साल कैसे रहने वाला है ये भी बताया। उन्होंने किसी पर विपदा आने वाली है तो इसका निपटारा कैसे होगा तरकीब भी बताई। शमशरी महादेव मंदिर के पुजारी गुड्डू ने बताया कि परंपरा के अनुसार शमशरी देवता 16 दिनों के लिए स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं। वहां देवी देवताओं की बैठक होती है। इस बार देवता ने भविष्यवाणी में आशीर्वाद सुखद दिया है। साल फसल अच्छी रहने वाली है, बारिश भी सही होगी, इलाका फलेगा फूलेगा, महामारी आदि का भी भय नहीं है। मंदिर पुजारी गुड्डू ने बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। देवता 14 जनवरी को स्वर्ग गए और 30 जनवरी वापिस आए हैं। जितने भी देवता वीरवार को स्वर्ग से लौटे सभी ने साल अच्छा गुजरने की भविष्यवाणी की है। इससे लोगों में खुशी की लहर है। शमशरी महादेव मंदिर में सुबह से ही भगत जनों की भीड़ उमड़ी रही। महादेव को राक्षस का महादेव राक्षस हुआ था, बीवी परे बॉन्डे गिला। अच्छा, क्या हुआ, निशान होता है, देवता जीता तो बाद निशान नहीं होता, ठीक है जी, अगर रख गए तो उसमें निशान होता है। अच्छा, ये होता रहा है, पता नहीं पिछला पिछला इतिहास है, वो इतिहास है पिछला। और महादेव की वही तब योग आते हैं और आज किस दिन त्योहार को मनाते हैं।